हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी टॉप लिस्ट से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। 10वें नंबर पर है एएसओ, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ एक ग्रेड बी पोस्ट है, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल एग्जाम से होता है। सबसे बड़ा इंसेंटिव इसमें काम करने का उनकी फॉरेन पोस्टिंग्स हैं। अपने करियर में एएसओ की 6 फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, जिसमें हर एक 3 साल के टाइम पीरियड की है। कई बेनिफिट्स जैसे एकोमोडेशन वगैरह के साथ इन ऑफिसर्स की सैलरी 41,000 रुपये पर मंथ होती है। 9वें नंबर पर है गवर्नमेंट लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स। टीचिंग जॉब सबसे पीसफुल काम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सारा फ्री टाइम मिलता है कई हॉलीडेज के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग 40,000 से लेकर 1,00,000 तक के बीच में होती है, कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT, NIIT वगैरह में। और टेक्निकल कॉलेजेस में इन लेक्चरर्स की सैलरी 60,000 तक होती है, कई सारे बेनिफिट्स के साथ। 8वें नंबर पर है स्टेट सर्विस कमीशन। जैसे UPSC एग्जाम्स कंडक्ट करती है, वैसे ही हर स्टेट SDM, DSP, ETO वगैरह जो SSC के अंडर आता है, उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। UPSC से रिक्रूटेड ऑफिसर्स, ये एम्प्लॉयज UPSC से रिक्रूटेड ऑफिसर्स के जस्ट नीचे वाली रैंक पर काम करते हैं। हर स्टेट में इनकी एवरेज सैलरी 45,000 रुपये तक होती है, कई इंसेंटिव्स के साथ। 7वें नंबर पर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जो सिटी लाइफ पसंद नहीं करते, उनके लिए फॉरेस्ट सर्विसेज बेस्ट करियर ऑप्शन है, और आप नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं। ऑफिसर्स या तो फॉरेस्ट्री फील्ड या वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। इनमें एंट्री लेवल सैलरी 50,000 रुपये से ऊपर तक है, जिसमें DA भी एडिड है कई बेनिफिट्स के साथ। 6वें नंबर पर है PSU। इंजीनियर्स जिन्हें कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल पसंद नहीं आती, उनके लिए PSU जॉब्स बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जॉब सिक्योरिटी के साथ सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। हालांकि सैलरीज ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंड करती हैं, पर इनकी एवरेज इनहैंड सैलरी 52,000 रुपये तक है, जिसमें साथ में अलाउंसेस और DA भी ऐड होता है। 5वें नंबर पर है RBI ग्रेड बी। जब बैंकिंग सर्विस की बात आती है, तो RBI से बेटर एम्प्लॉयर कोई नहीं है। RBI ग्रेड बी बेस्ट पोस्ट है अपना बैंकिंग करियर स्टार्ट करने के लिए, और इसमें पॉसिबिलिटी डिप्यूटी गवर्नर बनने की भी है। RBI ग्रेड ऑफिसर का एस्टिमेटेड CTC 18,00,000 रुपये पर NM है। इनकी एंट्री लेवल सैलरी 67,000 रुपये तक है। 4वें नंबर पर है साइंटिस्ट। यंग इंजीनियर ग्रेजुएट्स जिन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये चॉइस बेस्ट है। इसमें आप इसरो, DRDO और कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे BARC वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर। और इनकी एंट्री लेवल सैलरी लगभग 60,000 रुपये तक होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और बोनस वगैरह भी एडिड होते हैं। 3वें नंबर पर है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज ऑफिशियल्स को कई तरह के बेनिफिट्स और बहुत ही अच्छी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस जॉब में रिस्क और एडवेंचर दोनों ही हैं। प्रमोशन एस्पेक्ट्स इस जॉब में बेस्ट हैं, और कई एग्जाम्स जैसे NDA, CDS वगैरह क्लियर करने पर आपको इस फील्ड में जॉब मिल सकती है। 50,000 या 60,000 की बेसिक सैलरी के साथ इस जॉब में DA भी मिलता है, और कई सारे बेनिफिट्स जैसे फ्री राशन, मेंटेनेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह बेनिफिट्स भी हैं। 2वें नंबर पर है IAS और IPS। ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया की, जिसमें ऑफिसर्स कई तरह के फील्ड्स और पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, और साथ ही इस जॉब में कई बेनिफिट्स हैं जैसे बड़े बंगलो, ऑफिशियल व्हीकल, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। इनकी बेसिक सैलरी लगभग 50,000 तक है, जिसमें DA और कई सारे अलाउंसेस भी ऐड हैं। और पहले नंबर पर है IFS। IFS ऑफिसर्स को सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, जो UPSC कंडक्ट करता है। ये डिप्लोमैट्स कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। IFS अपने करियर का आधा हिस्सा फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, जिसमें एक देश में 3 साल तक का मैक्सिमम पीरियड होता है। फॉरेन पोस्टिंग्स के साथ इन्हें कई बेनिफिट्स जैसे कि लग्जरी कार्स, फ्री अकोमोडेशंस वगैरह
और अच्छी खासी सैलरी जो कि 3,50,000 से ऊपर तक होती है वो प्रोवाइड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।